आज पीएम असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबेल ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पुल से अरुणाचल प्रदेश में चीन की लगती सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस पुल के निर्माण में 5800 करोड़ रुपए की लागत आई है। असम के डिब्रूगढ़ में देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबेल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। पुल के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पुल पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास को रफ्तार तो देगा ही, सामरिक लिहाज से भी इसका बड़ा महत्व है। असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल भारतीय सेना के लिए भी मददगार होगा। इस पर दो समानांतर रेल लाइनें हैं और इस पर ट्रेनें 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। 21 साल में बनकर तैयार हुए इस पुल के निर्माण में 5800 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे बनाने में 77,000 मीट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है।